रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज देखिए दिल्ली ड्रैगन्स और कोलकाता बाबू मोशाइस का मुकाबला, जहां बाबू मोशाइस क्रिकेट की गेम के अलावा खेलेंगे माइंड गेम। ये मेरी जबान नहीं हैंडल कर पाते हैं और आज मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इनके अंदर घुसूंगा और घुस के रहूंगा। अरे शॉट नहीं खेली, उसने बॉल छोड़ी है यार। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा सा फोकस हमारे बैट्समैन का गया है जहाँ तक मुझे लगता है। आशीष बता दे उसको, आज बॉल हाथ इसका हिल रहा होगा आज। ये सिर्फ बोलता है, खेलता नहीं है, मारो इसको, ऐसी बातें हो रही है। आई थिंक वो पेनल्टी लगनी चाहिए और टीम डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। चैलेंज ओवर। और चैलेंज ओवर में होगी कांटे की टक्कर। वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड मैच ऑफ द ईयर बिटवीन दिल्ली ड्रैगन्स एंड कोलकाता बाबू मोशाइस ऑन रॉकली प्रेजेंट्स बॉक्स क्रिकेट लीग। कविता, मुझे कुछ कहना है। अरे एंडी, मेरी बातें ही सुननी होती तो यहाँ क्यों होते हैं? हम दोनों घर पे होते ना। अरे बातें नहीं सुननी मुझे, मुझे तो गॉसिप सुनना है, वो भी लॉकर रूम का। चले। I don't care if people don't like the way we scream and shout, including me. If you all don't scream and shout on the pitch today, and I meet with their heads, this is not going to happen. बैटिंग बॉलिंग सेपरेट। सलील जितना तंग करोगे उतना प्रेशर में आता है वो, उसको बोलने की आदत है, बोलने में ज्यादा विश्वास रखता है तो उसमें निकल जाएगा वो। I want them to take singles. Every over let them take six singles. By their fastest bowler is slower than what you bowl with the injury. Let's just enter the dragon. बोल साचे दरबार की जय। We play two. और अब तक के सबसे daring attitude वाले, the dashing winners all the way. दिल्ली ड्रैगन्स। ऋत्विक, मेरा सवाल आपसे है। जी पूछिए, बिल्कुल पूछिए। पिछले मैच में जो हुआ जी, आपके और एजाज के बीच, समझ गया बात। चल बाहर चल गया, उन दोनों बात करते हैं अकेले में, आ जाए। अगर वो वहां बैठा नहीं खेल रहा है, ये सब मिलके भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अपना तो लाइफ का एक ही उसूल है, मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ। I think it was very necessary ताकि उन्हें ये पता चले कि वो जो वहाँ पर बैठ के कर रहे थे, it was not disrespecting us, it was disrespecting the spirit of the game, which was bad, which is not that we should allowed. That's all right. Let's get it for Dragons. Dragons, 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 Dragons. एक मैच जीते और एक मैच हारे हुए द स्वीट हार्ट्स, जो कहते हैं कि भाई हमारे सामने हर कोई है पानी कम चाय, क्योंकि हम हैं कोलकाता बाबू मोशाइस। सलील, थोड़ी सी आपके टीम के कुछ इनसाइड न्यूज गॉसिप से हमें पता लगी है कि आपकी टीम शायद आपसे थोड़ा सा रुष्ट है, आपके व्यवहार से, आपके अग्रेशन से। yes. मैच के बाहर और मैच के अंदर मैं दो अलग आदमी होता हूँ, so it's okay. अब मैं बुलाती हूँ आपकी सामने वाली टीम को। तो अब वक्त है डेयर का, और आज का डेयर है जीना तेरी बेली में। सो दिल्ली ड्रैगन से करण वाही एंड ऋत्विक, कोलकाता बाबू मोशाइस से हम लेते हैं सलील और करण मेहरा। अब एक छोटा सा गाना बजाया जाएगा जिस पर आप दोनों को एज अ पेयर बेली डांस करना है, और जो सबसे अच्छा करेगा ऑडियंस डिसाइड करेगी वो जीतेगा। ये जस्ट मेक सम नॉइज, आई थिंक यू गाइस आर नाइस। रोला बोला बाबू जी, अगर बाबू मोशाइस पसंद है बोलो। अरे हमने अच्छा किया कि नहीं? नहीं पसंद, नहीं पसंद। अरे यार सब ठगले। दिल्ली ड्रैगन जीते तो बोलो। क्या बात है बेटा, थैंक यू दिल्ली ड्रैगन्स।
और अब है टाइम हमारे बॉलीवुड सिक्के की। एक तरफ है क्राइम मास्टर गोगो आओ और दूसरी तरफ है मगैम्बो खुश हुआ। क्राइम मास्टर गोगो मगैम्बो और मगैम्बो तो बैठ। दिल्ली ड्रैगन्स ने टॉस जीत लिया है एंड दे हैव चोजन टू बैट फर्स्ट। बीसीएल में होगी 10 ओवर की बाजी और इस बाजी को खेलने के लिए टीम में 8 लड़के और 3 लड़कियां होनी जरूरी हैं। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना है जरूरी और ऐसे ही बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है। ओवर 5 या ओवर 6 बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है और चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको 0 रन्स। एक्चुअली क्या हो रहा है, पिछले 2 मैचेस हुए मैं देख रहा हूँ कि हमारी टीम में काफ़ी ईगो क्लैशेज आ रहे थे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे, कुछ ना कुछ होता जा रहा था। मैं आज चाहता हूँ कि हम एज अ टीम खेलें, अच्छी टीम खेलें। हर एक प्लेयर को मैंने बोला गेट ऑन टॉप ऑफ देम एंड विन द गेम। आदेश चौधरी और करण वाही ओपन करेंगे दिल्ली से। हमने पिछली बार 248 बनाए थे एंड इस बार डेफिनेटली हमारा मकसद है कि हम 250 को क्रॉस करें और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास बहुत ही कमाल के बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं एंड चीयर्स फॉर दिल्ली ड्रैगन्स। दिल्ली ड्रैगन्स इज दिल्ली ड्रैगन्स वर्सेस कोलकाता बाबू बशाय। प्ले बॉल। ओवर की पहली बॉल और पहला छक्का। क्या बात है। शॉट ऑफर नहीं किया लेकिन पीछे वाली बाउंड्री पे चली गई है बॉल। 2 रन मिलेंगे। सर नो शॉट। बॉलिंग बॉलिंग सर नथिंग ऑफर्ड। नो शॉट ऑफर्ड। 2 रन सर नो शॉट ऑफर्ड। इज अलाउड हियर। नो शॉट ऑफर्ड इज अलाउड हियर। यहाँ पर अब हुई है ना शुरुआत मैच की। प्ले प्ले प्ले। नो आई डोंट दिस नो शॉट ऑफर्ड। डिपल्स स्टार्टिंग से ये रूल बुक में ही। क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक लेग बाय के रन सिर्फ तब मिल सकते हैं जब बैट्समैन किसी भी बॉल पे या तो जेन्युइनली कोई शॉट ऑफर कर रहा होता है या फिर बॉल अपनी बॉडी पर लगने से बचा रहा होता है। अरे शॉट नहीं खेली, उसे बॉल छोड़ी है यार जी। अभी तो सेलिन शुरू हुए हैं। चलो बच्चों बजाओ ताली। प्ले बॉल। व्हाट अ शॉट। इट्स 6। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 16 रन फॉर नो लॉस। आई डोंट नो अ स्कोर विद दिस टीम बिकॉज दिस टीम इज अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड वी हैव टू बॉल वेल। सिंपल आवर कोच हैज गिवन अस सम वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे, बाकी देखते हैं। प्ले बॉल। Over the first ball and it's a 6. Over the dusra chakka. Pehla nahi dusra nahi teesra chakka hai. Aur ye chauka chakka. Bhai sahab gussa aa raha hai ki nahi aa raha hai? Ek ke baad ek chakke lagaye ja rahe hain aapki ball par. Mr. Bowler Salil. कोलकाता बाबू मोशाय का नाम बदल के कोलकाता बाबू गुस्साए हो जाना चाहिए यहाँ पर। ये बॉल वाइड है या नहीं ठीक से पता नहीं लग पा रहा। सलील चाहे जितनी भी अपील कर रहे अंपायर अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे। दूसरा ओवर यहाँ पर पूरा होता है। 42 रन बन चुके हैं फॉर नो लॉस। नमन आ गए हैं बॉलिंग करने।
Oh, filled it, Karan Mehra, very well filled it. बैट्समैन को अपने कमेंट्स से डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कोलकाता बाबू मोशाय। चलो प्रेशर में, हम प्रेशर में। ओ भाई साहब, इतना लंबा छक्का। बैट्समैन को डिस्टर्ब करने का ये तरीका नहीं चलेगा बाबू मोशाय का, ना जी ना। चल कमान भाई। एक मौका मिला था कोलकाता को दिल्ली के नंबर वन बैट्समैन करण वाही को आउट करने का, जो उन्होंने गवा दिया है। जरूरी था ये कैच पकड़ लेना, क्योंकि करण वाही बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। मैं एग्री, करण बहुत अच्छा बैट्समैन है, अच्छा खेल रहा है, और ये कैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये पार्टनरशिप टूटना बहुत जरूरी है, अगर ये कंटिन्यू रह गई तो फिर हमारे लिए रन रेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस तरह नमन बॉलिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली रन रेट में प्रॉब्लम होने वाली है कोलकाता बाबू मोशाय। एक और सीधा कमेंट्री बॉक्स में। तीसरा ओवर यहां पर पूरा 54 रन्स फॉर नो लॉस। निवी अब अगला ओवर करेंगी। BCL के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले चार ओवर में लड़की को एक ओवर कराना अति आवश्यक है। लो जी, छक्का लगा दिया है। एक और सिक्स, आउटस्टैंडिंग शॉट। It's a big six. ओए होए, एक और सिक्स। पांच बॉल में पांच छक्के दे दिए हैं निवी ने। अब आखिरी बॉल पर छक्का लगेगा कि नहीं, ये देखना है। Come on, निवी, go for it, goal पर। वैसे निवी काफी टहलते जाती है विकेट की तरफ, काफी घूमते। और ये दूसरा मौका गवा दिया है कोलकाता की टीम ने दिल्ली के बेस्ट बैट्समैन की विकेट लेने का। क्या कर रहे यार आलोक? टीम कोलकाता में आपस में तनाव शुरू हो गया, बताओ। 90 रन्स पे दिल्ली ड्रैगन्स फॉर नो लॉस। चैलेंज और तो उसको ही लेना चाहिए ना। वो मना कर रहा है। चौथा ओवर खत्म हो चुका है, पांचवा ओवर स्टार्ट करने वाले हैं और चैलेंज ओवर की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। 18 रन चैलेंज है। बॉलर नेम अमित सरीन। सो लुक एट दिल्ली'स कॉन्फिडेंस। अक्सर लोग छठे ओवर में चैलेंज ओवर लेते हैं, पांचवे ही ओवर में चैलेंज ओवर ले रहे हैं। आजा भाई, बोल रहा हूँ, रेडी नहीं हो रही, इधर आजा। ये बाबू मोशाय कमेंट्स करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे जरूर इनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी। ओहो, वाइड बॉल। चैलेंज ओवर में वाइड का जाना खतरे से खाली नहीं है, क्या कर रहे हैं अमित सरीन। चल भाई, आप दे दे सिंपल। चल हिल गया चल। हमारी टीम ने एक नई स्ट्रैटेजी सोची है कि आज मेंटल प्रेशर डाले कि अगर वो बॉल बैट्समैन नहीं खेल पाता है, या फिर डॉट बॉल हो जाती है, या फिर विकेट चली जाती है, या फिर उनका उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो हम उन्हें मेंटल प्रेशर भी देंगे। मतलब उनके पास जाके उन्हें कुछ बोलेंगे, अरे नहीं खेल पा रहा, अभी आउट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। भाई रिटायर हो जा, रिटायर भाई, रिटायर। कोलकाता ने वाही को डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी कर ली। दो वाइड दे चुके हैं सरीन, कहीं वाइड दे दे कि दिल्ली को चैलेंज ना जिता दे मेरा भाई। थोड़ा बैलेंस से शॉट मार भाई, चल। ये नहीं हो सकता बार बार। बैट और बल्ले की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, मेरी जबान काफी होती है 12 लोगों के लिए। मैं सारे लड़कों के साथ सालों से खेल चुका हूँ, ये मेरी जबान नहीं हैंडल कर पाते हैं, और आज मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इनके अंदर घुसूंगा और घुस के रहूंगा। चार बॉलों पे 16 रन चाहिए। चल भाई, इज कमिंग बैक।
सल ने फिर प्ले बॉल होने के बाद बैटिंग के वक्त कमेंट किया, जिससे करण का ध्यान भटक गया और बॉल मिस हो गई। यार देखो, कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर जो हमने डाला है वो स्ट्रेटजी काम आ रही है, प्रेशर दिख रहा है उनपे। जिस तरह करण भाई बैटिंग कर रहा था, जो सुपरस्टार है यार, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा सा फोकस हमारे बैट्समैन का गया जहां तक मुझे लगता है। चल कमान भाई, फोकस, शाबाश। बॉल से पहले बोलो। और वाही ने एक सिक्स मारकर अपनी वापसी कर ली। एक प्लेयर आके बोल रहा था कि बैट्समैन प्रेशर में वो खेल नहीं पाएगा, आउट हो जाएगा, और उसी बॉल पे उसने सिक्स मार दिया। तो एक्चुअली ये खेल के ही हम जवाब देंगे, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, हम जो भी कहेंगे वो अच्छे से खेल के देंगे और उसका जवाब उन लोगों को अपने आप मिल जाएगा। भाई यार कनेक्ट नहीं हो रहा यार, मिस है। वाले बार बार करण वाही को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे परेशान होकर फाइनली वाही ने अंपायर को कंप्लेन कर दी है। बैट से लगी है सर, डगआउट से बोला सर, बैट से लगी है सर। करण वाही बैटिंग कर रहे थे और कोलकाता के डगआउट से, बाबू मोशायज के डगआउट से किसी ने कहा कि आउट हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट होकर मार नहीं पाए। कोलकाता ने तो आज हद ही कर दी है यार। पहले तो फील्ड से बैट्समैन पे कमेंट्स कर रहे थे, अब डगआउट से भी परेशान कर रहे हैं। नहीं मैं डॉट में थे, डॉट के लिए बोल ही नहीं रहा, डॉट से बोल ही नहीं रहा, पीछे से बोला, डगआउट से बोला किसी ये बॉल मिस करनी है। वाइड ड्रॉप मेंटल प्रेशर जो हमने बनाने का सोचा था वो वर्क कर रहा है, क्योंकि बैट्समैन अभी अलग अलग मतलब ब्लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है प्ले बॉल एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक या आवर टैक्टिक्स आर वर्किंग। हाँ, वो बोल रहा था कि जब बॉल डाले तो ना बोले, विच इज ओके एक्सेप्टेबल, तो हम लोग नहीं चला रहे जब बॉल बॉलिंग कर रहा है बॉलर, पर ठीक है उसके आसपास तो हम चेयर करेंगे यार, इट्स बीसीएल, कम ऑन। मैं कह रहा हूं तो डॉट ले ले, उसके मन प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स इजी। ठीक है, ओके ओके चल। ये डगआउट से या ऑडियंस से कोई भी आवाज आती है तो वो रिस्पेक्टेड डगआउट के कैप्टन और वो टीम का रिस्पांसिबिलिटी है उनको कंट्रोल करने के लिए। जब टेंशन बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर फिर अपोनेंट टीम पे निकलता है कि ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये हमारे रन रोक रहे हैं, दिल्ली वालों घर जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। ये जानबूझ के छोड़ा है, कैच लिया था, हमें लगा था वो कैच नहीं ले पाएगा, इट वाज एन इम्पॉसिबल कैच, बट मैन इज सुपरमैन राइट नाउ यार, ही इज किलिंग इट राइट नाउ। 10 ओवर का मैच है, 5 ओवर बाकी है, 9 बैट्समैन बाकी है, तो आदेश का आउट होना इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर आवर टीम। आज बाकी बैटिंग स्ट्रेंथ पता चलेगी क्या है, सबको मौका मिलेगा खेलने का। 6 ओवर यहां पर होता है पूरा, 107 रन पे दिल्ली ड्रैगन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब अहमद सरीन दूसरा ओवर करने जा रहे हैं, तो दिल्ली मेरी जान जरा संभाल के। अपना चैलेंज खत्म करने के बावजूद ऐसा स्कोर नहीं बनाया है जो कि दिल्ली ड्रैगन्स ने बनाया हुआ है। सरीन हो गए हैं संगीन, सरीन के ओवर को तो दिल्ली ने धो डाला है, देखते हैं अब छक्का लगेगा या चौका। प्ले बॉल। एक और विकेट ले लिया है बाबू मोशायज ने, दिल्ली ड्रैगन्स के दो बेहतरीन बल्लेबाज आउट हो गए हैं। इस विकेट के बाद पासा पलट सकता है, पासा पलट गया है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर इन कंप्लीट फॉर्म राइट नाउ एंड टीम का जोश इतना अच्छा खासा है अभी हाल कि मुझे लगता है कि हमारा जो टारगेट है वो जरूर पूरा होगा। दिल्ली वर्सेस कोलकाता, इट इज 7 ओवर्स के बाद 135 पे 2। प्रिया वॉल बैटिंग करने के लिए आई है, बीसीएल रूल्स के मुताबिक पहले 4 बल्लेबाजों में से एक लड़की का होना जरूरी है। Come on, नमन, विकेट। एक और कैच छोड़ दिया है कोलकाता ने। ओहो, रिप्ले में देखिए, अगर कोई लंबा इंसान खड़ा होता वहां पे तो जरूर कैच कर लेता है, लेकिन हमारी प्यारी सी छोटी सी छोटा पैकेट बड़ा धमाका डिंपल वहां पे खड़ी थी तो ये कैच नहीं हो पाया। ओ भाई साहब, इतना लंबा छक्का। Oh
पांचवा ओवर खत्म होने पर यहाँ 158 रन बन गए हैं दिल्ली ड्रैगन्स के 2 विकेट के नुकसान पर। डिंपल कैच छोड़ने के बाद अब बॉलिंग पे आई हैं। गर्ल ओवर का टाइम है, बीसीएल रूल्स के मुताबिक आखिरी 4 ओवर में भी एक लड़की का ओवर होना जरूरी है। प्ले बॉल, कैच कैच कैच। इतना आसान कैच छोड़ दिया है कोलकाता ने, लेकिन शायद ये कैच जानबूझकर छोड़ा गया है क्योंकि वो प्रिया को आउट नहीं करना चाहते थे। वो कैच जो छोड़ा था वो डेलिबरेटली छोड़ा था, तो ये तो मतलब मच्छर भी पकड़ने वाला कैच था जो उसने छोड़ा है। आई थिंक वो पेनल्टी लगनी चाहिए और टीम डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। ये लड़की को जानबूझ के आउट नहीं किया है या किया है या रहने दिया है, ये जो डिस्कशन है इस बार के हमारे बीसीएल में टूर्नामेंट में, ये तो फॉरएवर चलने वाला है। बीसीएल में ये डेलिबरेट आउट होना या डेलिबरेटली आउट ना करना, ये मसला हर मैच में एक आधी बार तो उठ ही जाता है। दिल्ली ड्रैगन्स जो है वो इस टॉपिक को खींचना नहीं चाहते हैं, वो छोड़ देना चाहते हैं, विच इज सो गुड। And thankfully यहाँ पे रावत ने कैच पकड़ लिया, इज्जत बच गई। I know, इस बार एक्टिंग नहीं की उन्होंने। ओए होए होए, क्या छक्का मारा है। Next. Full toss and it is a save. दो छक्के दे दिए हैं डिंपल ने। कम ऑन डिंपल, कुछ तो करो, दिखा दो दिल्ली को कि बंदी में है दम। कैच इट, ओह माय गॉड, दैट वाज सच अ बैड मिस। बहुत ही ज्यादा आसान कैच छोड़ दिया है ये, आज कोलकाता ने 5वां कैच छोड़ा है। तेज वानी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, ये जानबूझ के छोड़ा है। हमारे मेल प्लेयर को डेलिबरेटली आउट नहीं किया। हाँ, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्यों इस बात पे क्यों नहीं झगड़ा करते, इस बात पे भी झगड़ा करो। हितेन तेजवानी कर दिया टीम को पानी। 9th ओवर पूरा होने पर 171 रन्स बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। मेहरा देने वाले हैं अब इस गेम को पहरा। कम ऑन मेहरा, कर दो दिल्ली ड्रैगन्स को बहरा। गो फॉर इट बोशाइज। Oh, what a ball! Oh, भाई साहब, करण मेहरा की बॉल को तो छू भी नहीं पा रहे हैं ऋत्विक। दिल्ली वालों, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। मेहरा आज दिल्ली ड्रैगन्स में बिल्कुल भी मेहराबान नहीं है। Not bad, मेहरा, go for it, Jeremy smile देखो। इमरान हाशमी और ऋत्विक चाहे एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक डिफरेंस है। इमरान हाशमी की हर मूवी हिट होती है और यहाँ पर किसी भी बॉल पर ऋत्विक हिट नहीं कर पा रहे हैं। ये छक्का। एक और सिक्स, आउटस्टैंडिंग शॉट। आखिरकार लास्ट की 2 बॉल्स पर 6 मारकर ऋत्विक ने दिल्ली का स्कोर पहुंचा दिया है 183 रन पर। 183, 3 विकेट के नुकसान पर 184 का टारगेट कोलकाता बाबू मोशा इसको। 183 पे आपने दिल्ली ड्रैगन्स को कंटेन किया है जो आज तक मेरे ख्याल से बीसीएल में कोई और टीम नहीं कर पाई है, तो ये विल दिस बिल्ड अप मोर प्रेशर फॉर यू गाइस? नॉट प्रेशर, हमें तो रिलीव हो रहा है। मैं सोचा हुआ था कि अगर जिस तरह खेलते हैं इनका बैटिंग लाइनअप जैसा है इनका, दिल क्रॉस 250। 183 का टारगेट दिया, वेरी अचीवेबल यार। हम लोग अभी तुम देखना पहले 2 ओवर में ही हम 60 रन बना देंगे। ये अनुभव श्रीवास्तव, जर्सी नंबर 9 का वादा है। ऑलराइट करण, ब्रीद, हैव सम एनर्जी ड्रिंक्स एंड बैट वेल। क्या बात है, 184 का टारगेट।
पूरे जोश के साथ में दिल्ली ड्रैगन्स फील्ड पे उतरे हैं। जितना जोश फील्डिंग के समय दिखाया है उतने ही होश के साथ में आ गए हैं आलोक इन साथ में करण मेहरा फ्रॉम कोलकाता बाबू मोशा। क्या बात है। सलंकोला बॉलिंग करने के लिए आए हैं। प्ले बॉल। सलंकोला को खेलना इतना आसान नहीं है आलोक बाबू। आलोक से तो हमें एक्सपेक्टेड था कि पहली बॉल पे छक्का लगाएंगे, लेकिन कोई नहीं, एक धीमी शुरुआत करना चाहते हैं, ये जमे रहना चाहते हैं आई गेस आज इस मैच में। प्ले बॉल। भाई साहब, जब सामने इंटरनेशनल लेवल का बॉलर हो तो बैट्समैन की कैसे चल सकती है। थर्ड बॉल हो गई है सलंकोला की और अभी तक कोई रन नहीं बना पाए हैं कोलकाता वाले। अगर यही रफ्तार रही तो जर्सी नंबर 9 वाले ने जो वादा किया है उसका क्या हो। 183 का टारगेट दिया, वेरी अचीवेबल यार। हम लोग अभी, तुम देखना, पहले दो ओवर में ही हम 60 रन बना देंगे। ये अनुभव श्रीवास्तव जर्सी नंबर 9 का वादा है। ओ जी, गली गली में शोर है, अगला लगना 4 है। आशीष बता दे उसको, बॉल हाथ इसका हिल रहा होगा आज। ये सिर्फ बोलता है, खेलता नहीं है, मारो इसको, ऐसी बातें हो रही है। पालो इसको, पालो, रोज का आदत है बोलने का। चैलेंज ओवर, बोलर नेम इज सलंकोला। नहीं, सलंकोला। चलो जी, कोलकाता ने छक्का लगाकर अपना खाता खोल दिया। पहले ओवर के बाद 7 रन फॉर नो लॉस। आदेश करेंगे सेकंड ओवर दिल्ली की टीम से, घातक बॉलर हैं ये भी। शाबाश दो। बैलिस्टिक मिसाइल की तरह गई है बॉल, खतरनाक। कोलकाता के बैट्समैन ढीले पड़े हुए हैं दिल्ली ड्रैगन्स के सामने। यस, वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्लेयर देयर बॉल्स। थोड़ा सा मुश्किल है इन लोगों को खेलना, क्योंकि अच्छे बॉलर्स हैं लोग, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हमारे बल्लेबाजों ने अपना आंखें जमा ली हैं और अब रन आने शुरू होंगे। बैट्समैन जो है ना, उनकी टांगे कांप रही हैं और आदेश की बॉल जो है ना, वो फायरिंग स्पीड से आ रही है, हवा में जूम करके घुस जाती है, बाट लगने वाली है बॉस। दूसरा ओवर यहाँ पर पूरा होता है, 16 रन बन चुके हैं फॉर नो लॉस। करण वाही, देखते हैं करण की बॉलिंग में कितना जलवा होने वाला है। चल भाई, आउटसाइड ऑफ स्टंप। आशीष बता दे इसको, आज बॉल हाथ इसका हिल रहा होगा आज। प्ले बॉल। इट्स अ बॉल। किल्ली उड़ गई है आज लोग। एटीट्यूड में वाली है, चौका में हम बल्ला को समझौती वाली है। रफ्तार हमारे बॉलर की ना पड़े किसी के बल्ले। तुमसे ना पाएगा, जितने भी घुमा लो बल्ले। मैंने बोला कि विकेट जाएगी और दिल्ली ने बोल्ड बोल्ड किया, बोल्ड। आलोक के आउट होने के बाद पिच पर सलिल, अपनी जुबान से तो काफी छक्के चौके लगाता है मेरा भाई, देखते हैं बल्ले से क्या कर पाता है। लेट्स सी। दिल्ली के गेंदबाज की रफ्तार कोलकाता के बैट्समैन से नहीं झेली जा रही। ओहो, 2 रन यहाँ पर कोलकाता बाबू मोशा इसको मिलते हैं। वापस शुरू कर दिया कोलकाता ने मीठा वार, पर वाही ने भी कोलकाता की तबाही ठान ही ली है।
प्ले बॉल। फॉर्म में नहीं है आज, आज हमारे मिस्टर एंग्री यंग मैन फॉर्म में नहीं। पालो इसको, पालो, रोज का आदत है बोलेगा। जी बातें सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है पीछे से? ये सिर्फ बोलता है, खेलता नहीं है, मारो इसको, ऐसी बातें हो रही है। तीसरा ओवर पूरा होने पर 18 रन्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। BCL रूल्स के अकॉर्डिंगली पहले चार ओवर में एक लड़की का ओवर होना अति आवश्यक है। प्रिया वॉल आई है बॉलिंग पर। प्रिया में भी उन्हें आरती नजर आ रही है। अहमदाबाद एक्सप्रेस की आरती को भी इसी तरीके से प्रेशराइज किया था कोलकाता ने। प्ले बॉल। ए छक्का। सिक्स। छक्का। करण पूरा फायदा उठा रहे हैं फीमेल ओवर का। करण स्टार्टिंग में एक दो ओवर्स जो हैं वो थोड़े से नहीं हो पाया, लेकिन अभी प्रिया जो है वो दूसरी आरती बन गई है और हर बॉल पे छक्के पड़ रहे हैं। तो करण क्या कर रहा है कि इसी पूरे ओवर में वो पूरा का पूरा कवर अप कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड, वेरी थॉटफुल ऑफ हिम। लंबा छक्का। एक और। सिक्स। चौथा ओवर यहां पर पूरा हो चुका है। कोलकाता बाबू मोशाइज 60 रन पे पहुंच चुके हैं फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। चैलेंज ओवर का समय आ गया है। पहले ही कोलकाता का स्कोर इतना खराब है, अगर वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाए तो उनके हाथ से मैच चला जाएगा, समझो यार। सलील कितना? 12 ओके 15। चैलेंज ओवर 15 रन टारगेट। बोलर नेम इज सलील अंकोला। नहीं सलील अंकोला। He's confident, let him play. वैसे ना कोलकाता की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतने खराब स्कोर के बावजूद सलील भाई को दिया है चैलेंज 15 रन का। इसको कहते हैं आ डायनासोर मुझे मार। नमाल। प्रिया वॉल की मिस फील्डिंग से कोलकाता को 4 रन मिल गए हैं। कोलकाता बाबू मोशाइज इनके सलील भैया को दूसरी प्रिया बोल रहे हैं। सम गट्स। I'm sure ये जो हूटिंग हो रही है, this must be really discouraging, अगर आप वहाँ पर खड़े होकर के बोल कर रहे हैं तो। चलो अभी ओरिजिनल सलील अंकोला को देखना है। Come on सलील, go for it, भैया जी, go for it, ओरिजिनल सलील अंकोला। तुमसे ना पाएगा जितने भी घुमा लो बल्ले। ऑल ऑफ अ सडन जो हूटिंग हो रही थी कोलकाता बाबू मोशाइज के डगआउट से, वो बंद हो जानी चाहिए। ओरिजिनल सलील अंकोला। कोलकाता टीम की ओवर निवेदिता आई है बैटिंग पे। रूल के मुताबिक अगली बैट्समैन का आने का टाइम। Come on, सलील भैया, भैया जी इश्माइल। लगता है सलील भैया को फिर उकसाना पड़ेगा। What a ball! बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन।
तीन बॉल में 10 रन बनाने होंगे कोलकाता को। बाल बाल बच गई है बोल्ड होने से, पर ऐसे बचती रहेंगी कि स्कोर भी आगे बढ़ाएंगी। वाइड वाइड की गुंजाइश नहीं है चैलेंज ओवर में, कम ऑन सलील अंकोला जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो वाइड पे वाइड देते जा रहे हैं हमारे चैलेंज ओवर में, सो आई थिंक अच्छा हुआ उन्होंने सलील अंकोला को चूज किया है। फिर से टीम कोलकाता दूसरी प्रिया बोल रही है सलील अंकोला को, उनको शायद पता नहीं है कि सलील पाजी को उकसाएगा तो विकेट गवाएगा। जितने भी घुमा लो बल्ले। और दिल्ली ड्रैगन्स जीत गई है चैलेंज, और क्यों ना जीते, जब सलील पाजी हूँ साथ है तो डरने की क्या बात। करण का विकेट गिरना हम लोगों के लिए बहुत बुरा रहा, करण ने अगर विकेट पकड़ के रखी होती तो एक उड़ा बीन अचीवेबल। 76 रन्स पर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, ये चैलेंज पूरा नहीं हो पाया। अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाने अब सूयश आ गए हैं। सूयश ने पहली ही बॉल में बता दिया कि दिल्ली से पंगा लोगे तो कैसे बचोगे। ओहो, मारना तो दूर, सलील भाई बॉल को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्राई का लेवल बेस्ट यार, लेकिन बॉल नहीं कनेक्ट हो रही। आई थिंक कनेक्ट ही नहीं हो रही, जैसे मैंने कहा कि इन लोगों की स्विंग बॉल हो रही है, कभी राइट हो रही है कभी लेफ्ट हो रही है। जब लड़कों को नहीं दिखे तो मुझे थोड़ी सांत्वना मिली कि मुझे भी नहीं दिखी। Yes! एक रन ले लिया है सलील ने बड़ी ही मुश्किल से। I wouldn't take up anything from the Delhi bowling lineup. बहुत ही strong और ऊंडा bowling lineup है उनका। जो सामने वाली team है बाबू मोशाइज़, उनको तो हमारा bowling नहीं दिख रहा है। And you can see it with the way they are batting. सिर्फ एक रन आया इस ओवर में, तीन ओवर में 107 रन चाहिए। आदेश कर रहे हैं आठवां ओवर। प्ले बॉल, बॉल पहली बॉल पे आउट कर दिया है सलील को। कोलकाता के सलील भी डगआउट में वापसी कर चुके हैं। तो सलील नहीं, जलील होना चाहिए। किसी के बल्ले तुमसे ना पाएगा, जितने भी घुमा लो बल्ले। दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली को उंगली कर रहे थे ये लोग, और अब जो दिल्ली कर रही है वो बस कर ही रही है। नाइन्थ ओवर खत्म हो जाने पर 92 रन्स पर है कोलकाता बाबू मोशाइज़ 4 विकेट के नुकसान पर। पता नहीं 100 भी टांप पे गए या नहीं। ये तो वो स्कोर है जो कि दिल्ली ड्रैगन्स 5वें ओवर पे ही टच कर चुके थे। एक तक कॉल करेंगी ये फीमेल ओवर। BCL रूल्स के मुताबिक लड़की को आखिरी 4 ओवर में 1 ओवर करना जरूरी है। एक तक हो ना, सलील अंकोला से बॉलिंग टिप्स लेनी चाहिए, फिर देखो कैसे विकेट चटकाएंगी। टेंथ ओवर की लास्ट बॉल खेलने के लिए बैट्समैन आए हैं। कोलकाता वालों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लास्ट बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, भले एक बॉल में 58 रन बनाने हो। स्लिप्स पे आ जाओ, स्लिप पे, सारे स्लिप पे आएंगे अकॉर्डिंग टू कोच साहब, सारे स्लिप पे आएंगे। क्या बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम BCL में ऐसी फील्ड प्लेसिंग देखने को मिल रही है। ओहो, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती घेर लिया है। हारे हैं कोलकाता वाले मुंह की खानी।
अरे तुमसे ना पाएगा जितने भी घुमा लो बल्ले। करण दिल्ली ड्रैगन्स असल में ड्रैगन का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो, और जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ रहा है मुझे लगता है हर टीम उनसे अब घबरा रही है। आज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट यार, वी ट्राई टू एंटर द ड्रैगन लेकिन हो नहीं पाया, बट टर्निंग पॉइंट आई थिंक मेरा जो विकेट गई मैं वो कहूँगा, बिकॉज आई हैड टेकन द चैलेंज विद सलील और 30 रन अगर उधर कवर हो जाते तो काफी पास आगे होते हैं। जयपुर राज जोशी ले अपने तीनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले पायदान पर हैं, फॉलोड बाय दिल्ली ड्रैगन्स।